हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम सब ने देखा था माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। आज हम जानेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन क्या है, कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पॉलन ग्रेन को और क्या कहा जाता है, इसे कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट, है ना। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जब भी ये टर्म आए मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है, या फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है ना। तो पॉलन ग्रेन ही वो पार्ट है जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझना है कि ये पॉलन ग्रेन बनता कहाँ है। हमने बताया था आपको कि एंथर का जो वॉल होता है वो चार लेयर का बना होता है। सबसे बाहर इपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथेसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर और सबसे अंदर टैपेटम। और टैपिटम में टैपिटल सेल थे जिसके अंदर यानी कि सेंट्रल रीजन में बन रहे थे स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसका हर एक सेल मैच्योर होकर बना रहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, है ना। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल क्या बना रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। और ये हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा था किस फॉर्म में, पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। तो पॉलन ग्रेन किससे डेवलप हो रहा है, माइक्रो स्पोर से, है ना। माइक्रो स्पोर डेवलप हो रहा है किस फॉर्म में, डेवलप्स एज पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर जो पॉलन ग्रेन के फॉर्म में डेवलप होता है या पॉलन ग्रेन होता कैसा है ना। तो मोस्ट ऑफ प्लांट में पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्फेरिकल होता है ना। ज्यादातर प्लांट में ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना। तो यह भी एक सेल है इसलिए यहाँ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसके बाहर एक और थिन लेयर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, एक थिन लेयर होगा। और इस लेयर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इन टाइम, है ना। इसे हम कह सकते हैं इन टाइम। ठीक है, तो सबसे अंदर का लेयर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या है, इन टाइम, है ना। इसके बाहर थिक लेयर होता है, इसके बाहर होता है थिक लेयर, है ना। ये पूरा तरह से डेंस लेयर होगा, पूरा थिक, ना। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो बाहर का थिक लेयर है इसमें कुछ जगह पर ये लेयर अब्सेंट होगा। बाहर का जो लेयर है वो कुछ जगह पर क्या होगा, अब्सेंट होगा इस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये बाहर वाले थिक लेयर को कहते क्या है ना। तो ये थिक लेयर को हम कहते हैं एग्जाइम। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा दो और लेयर से प्रोटेक्टेड है, जिसमें अंदर का थिन लेयर जो है ये कैसा है, इन टाइम, ये थिन है ना। और ये एग्जाइम जो बाहर का है ये कैसा है, थिक भी है और टफ भी है ना। ये इन टाइम जो अंदर का लेयर है इसका फॉर्मेशन किस चीज से हुआ है, इन टाइम अंदर का लेयर का फॉर्मेशन हुआ है सेल्यूलोज और पेक्टिन, ये दो केमिकल सब्सटेंस मिलकर के इन टाइम का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि एग्जाइम जो कि बाहर का लेयर है इसका फॉर्मेशन किसने किया है, इसका फॉर्मेशन किया है स्पोरोपोलेनिन, है ना। और आपको पता है स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन किसने किया था, टैपिटल सेल ने, है ना। तो स्पोरोपोलेनिन किसने किया था, सिक्रेटेड बाय टैपिटल सेल, है ना। और ये ध्यान रहे हमेशा,
स्पोरोफॉलेनिन जो है ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। विच कांट बी डिजॉल्व बाय एनी एंजाइम, है ना। तो हम इस तरह से देखें, पॉलन ग्रेन का दो प्रोटेक्टिव लेयर इंटाइन, जिसका फॉर्मेशन किसने किया है, सेल्यूलोज और पेक्टिन ने, और एक्जाइम जो कि बाहर का टफ और ठीक है, इसको किसने बनाया, स्पोरोफॉलेनिन ने, है ना। स्पोरोफॉलेनिन को सीक्रेट किसने किया था, टैपिटल सेल ने, है ना। और ये स्पोरोफॉलेनिन मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किसी एंजाइम के द्वारा डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि पॉलन ग्रेन बाहर से कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड है। इसके बाद जब ये सेल बनकर तैयार होता है तो बना किससे था, माइक्रोस्पोर से। और आपको पता है माइक्रोस्पोर कैसा था, हैप्लॉयड, मतलब इसमें क्रोमोजोम पेयर के फॉर्म में नहीं थे। तब पॉलन ग्रेन भी जो बना है ये भी कैसा है, ये भी हैप्लॉयड है, मतलब इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और उसमें क्रोमोजोम अनपेयर्ड है, मींस पेयर के फॉर्म में नहीं है, है ना। लेकिन ये पॉलन ग्रेन जब बनता है, बनने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना। न्यूक्लियर डिवीजन होने से क्या होता है, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है ना। और इसके बाद दो सेल भी बन जाते हैं, यानी कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों परफॉर्म होता है। और ऐसा होने से दो सेल, तो यहाँ पर अगर पूछे कि सेल डिवीजन किस तरह का हो रहा है पॉलन ग्रेन के अंदर, तो यहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो माइटोटिक हो रहा है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर कम नहीं रहे, जितना है उतना ही है ना। तो इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन करके दो न्यूक्लियस का फॉर्म हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, है ना, जिसमें एक सेल जो होगा वो काफी बड़ा होगा और दूसरा सेल जो होगा वो छोटा होगा, है ना। इस तरह से स्पिंडल शेप्ड एक छोटा सा सेल होगा और दूसरा बड़ा सेल होगा, है ना। तो ये जो लार्ज सेल है, ये लार्ज सेल, इस लार्ज सेल को हम क्या कहेंगे, लार्ज सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, है ना। इसका नाम क्या होगा, वेजिटेटिव सेल, है ना, या इसे ट्यूब सेल भी कह सकते हैं। ट्यूब सेल क्यों कहेंगे, हम इसके बारे में आगे जानेंगे, है ना। तो फिलहाल वेजिटेटिव सेल या क्या कह रहे हैं, ट्यूब सेल। इसके अलावा ये जो छोटा सेल फाउंड हुआ, इस छोटे सेल को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, है ना। और यह जेनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल का फॉर्मेशन हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, है ना। आप देखिए इसके बाद क्या समझना है, जब ये पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, बनकर तैयार हो जाते हैं, है ना, इसके बाद डिहेसेंस होता है, मतलब एंथर रैप्चर करते हैं, ब्रेक करते हैं इसके बॉल और ये पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ हमें ध्यान रखना है, जैसे 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं, है ना, या फ्लावरिंग प्लांट हैं, इसमें पॉलन ग्रेन जो है, इन 60% एंजियोस्पर्म, है ना, पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन रिलीजेस इन टू सेल्ड स्टेज, है ना। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में ही रिलीज हो जाता है, मतलब जैसे ही दो सेल बना ये रिलीज हो जाता है। लेकिन बाकी का जो 40% एंजियोस्पर्म है ना, पॉलन ग्रेन रिलीजेस इन थ्री सेल्ड स्टेज, है ना। 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जब ये तीन सेल्ड स्टेज में होगा तब रिलीज होगा। अब ये थ्री सेल्ड स्टेज क्या होगा, है ना, तो थ्री सेल्ड स्टेज में
ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर के क्या करता है, ये दो मेल गैमेट या दो अस्पर्म का फॉर्मेशन करता है ना। तो जब ये डिवाइड होकर के दो अस्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा, तो ये दो अस्पर्म दो अलग सेल हो गए और एक पहले से सेल, तो कितने सेल हो गए, तीन, है ना। तो 40% एंजियोस्पर्म्स में जब ये तीन सेल बन जाते हैं तब पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर रिलीज होता है, लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में ये दो सेल स्टेज में ही रिलीज हो जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखनी है इसके बारे में, है ना। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन, है ना, पॉलिन ग्रेन के स्टडी को क्या कहते हैं, है ना, तो इसको हम कहते हैं पैलेनोलॉजी। पैलेनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन, है ना। तो ये देखा आपने पॉलिन ग्रेन के बारे में, सबसे पहले इसमें दो प्रोटेक्टिव लेयर है, बाहर का लेयर एग्जाइम, अंदर का लेयर इंटाइम। इंटाइम थिन लेयर है, एग्जाइम थिक लेयर है। इंटाइम बना किससे है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से, और एग्जाइम बना किससे है, स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन को सिक्रेट किसने किया, टैपेटल सेल ने, है ना। ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किसी भी एंजाइम के द्वारा डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। जब पॉलन ग्रेन बनकर तैयार होता है तब यह भी हैप्लॉयड होता है, यानी कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद यह न्यूक्लियस माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा दो न्यूक्लियस बनाता है और फिर साइटोकाइनेसिस से दो सेल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों सेल इक्वल नहीं होते, एक छोटा होता है, स्मॉल होता है, जिसे हम जेनरेटिव सेल कहते हैं, और लार्ज सेल को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखा, और इसके बाद 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जैसे ही दो सेल बनेगा पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर रिलीज हो जाएगा, लेकिन रेस्ट 40% में क्या होगा, जब तक ये थ्री सेल स्टेज में नहीं आता तब तक ये रिलीज नहीं होगा, है ना। इसके बाद पॉलन ग्रेन के स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। इसके बाद आप ध्यान देंगे पॉलन ग्रेन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है ना। तो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, सो यूज टू मेक फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स या सीरप, है ना। तो ध्यान रखना है पॉलन ग्रेन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से हम क्या बनाते हैं, फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स बनाते हैं या फूड सप्लीमेंट सीरप को बनाते हैं ना। अब थोड़ा सा हमें ये जानना है कि फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स या फूड सप्लीमेंट सीरप क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम डेली के डाइट में बहुत सारी चीजों को शामिल नहीं करते, जैसे अगर ग्रीन वेजिटेबल्स कम लेते हैं या फिर प्रोटीन कम लेते हैं या दूसरे मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है बॉडी के अंदर, तो इस तरह के बेसिकली मिनरल्स की डिफिशियंसी या दूसरे न्यूट्रिएंट विटामिन्स की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए बाहर से कुछ टैबलेट्स या सिरप लिए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स, है ना। तो पॉलन ग्रेन के हेल्प से फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके पॉलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में पार्थेनियम, है ना, या इसको कॉमनली हम और क्या कहते हैं, कैरोट ग्रास, है ना। इसमें क्या होता है कि पार्थेनियम या कैरोट ग्रास का जो पॉलन ग्रेन है वो एलर्जी कॉज करता है ना। पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम कॉज एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड अदर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, है ना। तो इस तरह से कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या दूसरे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, है ना।
थोड़ा सा हमें ये समझना है ये पार्थेनियम या कैरोटोग्रास है क्या। ये यूएसए से हमारे यहाँ आया था। कैसे? जब वहाँ हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था तो वीट खाद्य पदार्थ की बहुत कमी हुई थी, तो वीट वहाँ से इम्पोर्ट किया गया था और उसके साथ इसके सीड आ गए थे। और ये कैरोट ग्रास क्या होता है, ये वीट प्लांट के साथ ही ग्रो करता है, और लेकिन इसका ग्रोथ का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो न्यूट्रिएंट वीट प्लांट को मिलने थे वो सारा न्यूट्रिएंट ये ट्रैक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पार्थेनियम, जिसलिए गेहूं का जो यील्डिंग होता है उसका पैदावार होता है वो काफ़ी कम जाता है ना। तो यही है कैरोट ग्रास, और इसका पॉलन ग्रेन एलर्जी जैसी समस्याएं कॉज करता है ना। इसके अलावा और क्या ध्यान रखनी है, तो जैसे ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, सीमेन को स्टोर करके रखा जाता है बैंक में, उसी तरह से अगर पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रहे पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाए, है ना, तब हम इसे कई साल तक रख सकते हैं प्रोटेक्टेड, है ना। और इसका इस्तेमाल फिर हम किस चीज़ों में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, है ना। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या है। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि पॉलन ग्रेन को अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम रखना चाहते हैं प्रोटेक्टेड, तब हमें क्या करना होगा, इसे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा, जिससे हम कई साल तक इसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं ना। दूसरी चीज़ हमें यह समझना है कि यहाँ प्रोटेक्टेड रखने का मतलब क्या है ना। प्रोटेक्टेड रखने का मतलब ये है कि प्लांट के एंथर से जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो रिलीज होने के कुछ समय बाद इसकी वियाबिलिटी लैप्स कर जाती है, यानी कि इसके जर्मिनेशन का जो चांस है वो खत्म हो जाता है ना। अब जर्मिनेशन का मतलब क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, पॉलन ग्रेन में आउटर लेयर क्या था, एग्जाइम, इनर लेयर क्या था, इंटाइम। हमने बताया कि कुछ लोकेशन पर आउटर लेयर यानी कि एग्जाइम जो होता है वो अब्सेंट होता है या काफी थिन होता है, और इस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर, है ना। क्या कहते हैं इसको, जर्म पोर, है ना। अब इस जर्म पोर का काम क्या है हम आगे बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि जब यह पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होकर स्टिग्मा तक जाता है, तो यही जर्म पोर के जगह से यह पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो उस पॉलन ट्यूब को बनने के लिए जितनी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारा न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेटिव सेल, इसीलिए इसको हम और क्या कह रहे हैं, ट्यूब सेल, है ना। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे होगा, जर्म पोर से। लेकिन ये जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, ये पॉलन ग्रेन ऐसा नहीं है कि आज रिलीज हुआ तो साल भर बाद तक ये जर्मिनेट हो जाएगा। इसका अलग अलग प्लांट में जो इसकी वियाबिलिटी होती है या जर्मिनेट होने का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है, और उसको हम कहते हैं वियाबिलिटी, है ना। ये कुछ मिनट, कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिन तक का हो सकता है। जैसे इन केस हम लें राइस में, तो इसकी पॉलन ग्रेन की वियाबिलिटी 30 मिनट तक होता है। वही अगर हम ब्रिंजल ये सब केसेस में लें तो वो महीनों दिन तक इसकी वियाबिलिटी हो सकती है ना। तो ये डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, प्लांट के स्पीसीज के ऊपर, डिफरेंट प्लांट में उसकी वियाबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है ना, कितने एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन किस सेल स्टेज में रिलीज होता है, इसके बाद हम इसके स्टडी को क्या कहते हैं, है ना। इसके बाद हम इसके इस्तेमाल से फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स या सिरप भी बना सकते हैं। कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी चीजें कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर हम इसे -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखें, तब यह क्या करेगा, मतलब ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक प्रोटेक्टेड होगा, है ना। और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में या हाइब्रिड प्लांट को बनाने में, उसके कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में हम कर सकते हैं ना। एक टर्म आया वियाबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पॉलन ग्रेन में जर्मिनेट होने की एबिलिटी कब तक है ना, ये डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होता है ना। इसके बाद एक चीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको लेक्चर से रिलेटेड या फिर दूसरे बुक्स में कोई क्वेश्चन हो,
जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो और नहीं बन पा रहा हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछे क्वेश्चन को, इससे आप अच्छे से सीख पाओगे या समझ पाओगे चीज़ों को, है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।